हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्केच बनाने जा रहे हैं और पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे, डूम्स ग्रेफाइट स्केच पेंसिल्स। तो सबसे पहले इसका रिव्यू बनाते हैं इन पेंसिल्स का। तो पेंसिल्स जो है उनकी बॉक्सिंग भी अच्छी है और बड़ी बजटेबल पेंसिल्स है। जस्ट 50 रुपीज़ में 6 पेंसिल्स आ जाती हैं आपकी, और मेड इन इंडिया है, राइट। तो अभी इनको खोल के देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। पेंसिल्स की जो प्लास्टिक बॉक्स पे है ये, और लुक भी काफ़ी अच्छी है। रेड कलर दिया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी है लुक वाइज। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी शार्पन है पेंसिल्स को। स्टार्टिंग में आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इन्होंने शार्प की हुई है पेंसिल्स। और साथ में एक रेज़र भी मिल रहा है हमें। तो पेंसिल्स लुक वाइज भी अच्छी हैं, और पेंसिल्स में HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, 6 पेंसिल्स का सेट है। तो पेंसिल्स तो अच्छी दिख रही हैं। अब इनका ज़रा एक देखते हैं किस तरह से पेंसिल्स मतलब है, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, शेड्स चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग HP पेंसिल, एंड अच्छा चल रहा है HP। नॉर्मल जैसे हम बाकी HP पेंसिल्स यूज़ करते हैं उसकी तरह ही ये वाली HP पेंसिल शेड कर रही है, सो इट्स गुड। लेट्स स्टार्ट विथ 2B। ठीक चल रही है, चलने में अच्छा है, स्मूथ चल रही है और शेड भी अच्छा कर रही है। एंड HP से थोड़ा डार्क है और अच्छी है, एकदम स्मूथ वर्क किया इसने बिना रुके, और काफ़ी अच्छे से लेड मूव कर रहा है, गुड पेंसिल। नाउ लेट्स स्टार्ट 4B। पेंसिल्स पे मेड इन इंडिया लिखा आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने कंट्री में बनी हुई पेंसिल्स और उनको यूज़ करने का अपना ही मज़ा है। 4B भी अच्छा चल रहा है और 2B से थोड़ा डार्क है, एंड अच्छा चला, स्मूथ चल रही है और डार्क भी है, और बढ़िया पेंसिल है, एकदम अच्छा, गुड पेंसिल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी 6B पेंसिल। 6B कितना डार्क चलेगी, कैसी चलेगी, ये हम देखते हैं। हल्का सा प्रेशर मांग रही है पेंसिल एकदम से, मतलब जैसे वो पेंसिल स्मूथ चल रही थी उस तरह से नहीं चल रही है। मे बी शार्प करने के बाद चले, बट डार्क तो है बट ना फ्रीली नहीं मूव की। अब 8B ट्राई करते हैं। HP भी थोड़ा सा प्रेशर मांग रही है, मे बी थोड़ी डार्कर पेंसिल्स पे हल्का सा वो, बट है तो डार्क है। 10B देखते हैं। 10B इसमें इस सेट में सबसे जो हाई रैंक का डार्क शेड किया वो 10B है, देखते हैं। वाओ, ये पेंसिल बड़ी स्मूथ चल रही है, ये ऐसे चल रही है जैसे चारकोल का वो सॉफ्ट पेंसिल होता है ना, उस तरह से ये बड़ी स्मूथ सी सॉफ्ट सी पेंसिल चली है। 10B इसकी अच्छी है। वैसे इस सेट में 11B और 12B भी मतलब इस इन पेंसिल्स में आता है, बट ये 6 पेंसिल्स का जो सेट है इसमें यही पेंसिल्स है, जैसे इसमें 9B भी पेंसिल होती है, बट इसमें 8B और 10B हमें दिया है। तो इस तरह से ये पेंसिल्स थी। तो अब इन पेंसिल्स को यूज़ करके हम आगे मोदी जी का स्केच बनाएंगे और देखते हैं कैसा स्केच बनता है, और
किस तरह से पेंसिल्स वर्कआउट करती हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है वो अब हम बनाएंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले मैंने स्केच का आउटलाइन तैयार कर लिया है, पूरा आउटलाइन तैयार करके और नॉर्मल सी स्केच बुक ली है उस पर ही मैंने पेंसिल्स के साथ डूम्स पेंसिल यूज़ करके एक आउटलाइन तैयार कर ली है। अब इसमें शेडिंग्स करके देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे लाइट पेंसिल्स यूज़ की, उससे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से धीरे धीरे मैंने बनाना स्टार्ट किया एंड आई फेल्ट कि पेंसिल्स काफ़ी अच्छी चल रही। नॉर्मल स्केच बुक पे पेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथ रन कर रही थी, तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इन पेंसिल्स को यूज़ करके और बहुत अच्छे से स्केच तैयार हुआ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से स्केच तैयार हुआ है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी पेंसिल है, बजटेबल है एंड प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो अपना बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए और ट्यूटोरियल्स के लिए, राइट?